नवरात्रि संसार को संचालित करने वाली आदि शक्ति की आराधना का पर्व। माँ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। इस बार माँ आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होंगे, जो 11 अप्रैल तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भारतीय संस्कृति में कुमारियों को माँ का साक्षात स्वरूप माना गया है, इसलिए कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी का पूजा मुहूर्त और कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। इस बार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रही है, इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात 11:05 पर होगा और इसका समापन 9 अप्रैल की रात 1:23 पर होगा। वही पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का आरंभ 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल सुबह 3:15 तक है। शास्त्रों के मुताबिक कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को निमंत्रण दिया जाता है। कन्याओं के घर में पधारने पर उनके पैरों को धोना चाहिए। इसके बाद उन्हें उचित स्थान पर बिठाना चाहिए। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करके देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। इस दिन 2 वर्ष से 11 वर्ष की कन्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं किस उम्र की कन्या का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है। 2 साल की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति रूप मानी जाती है। इनके पूजन से धन धान्य और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से घर का कल्याण होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। वहीं 6 साल की कन्या को कालका रूप कहा गया है। इनकी पूजा करने से विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या का पूजन करने से चंडिका ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। वहीं 9 वर्ष की कन्या माँ दुर्गा का रूप कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 साल की कन्या का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धर्मज्ञों का कहना है कि संख्या के अनुसार कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। 9 कन्याओं का पूजन सर्वोत्तम माना गया है। हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। 1 कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग व मोक्ष दोनों, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम तथा 4 कन्याओं के पूजन से राजपद मिलता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं की पूजा करने से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ को जितनी प्रसन्नता कन्या भोज से मिलती है
उतनी प्रसन्नता हवन और दान से भी नहीं मिलती। ज्योतिष में भी कन्या पूजन को बहुत फलदायी माना गया है। आप भी कन्या पूजन कर माँ की कृपा प्राप्त करें। जय माँ भवानी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।